उत्तराखंड कांग्रेस ने लंबे मंथन के बाद वरिष्ठ विधायक इंदिरा हृदयेश को नेता प्रतिपक्ष बनाया है। एक्सक्लूसिव बातचीत में प्रदेश की पहली महिला नेता विपक्ष इंदिरा हृदयेश ने कहा कि उनके नाम पर मोहर कांग्रेस आला कमानने लगाई है और जनहित के मुद्दों पर वो सरकार को घेरने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। लंबे जद्दोजहद के बाद कांग्रेस ने इंदिरा हृदयेश को अपना नेता प्रतिपक्ष बनाया है। उत्तराखंड के राजनीतिक इतिहास में वो पहली महिला नेता है जिनको एक तरह से नेता विपक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। ऐसे समय में जिम्मेदारी दी गई जब प्रदेश में बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में है। इंदिरा जी, सबसे पहले तो आपको बधाई, और दूसरा, इतने प्रचंड बहुमत वाली सत्ता पक्ष के सामने एक महिला नेता को रहना है और कांग्रेस बहुत बुरी स्थिति में इस चुनाव के बाद नजर आई। ये सही है आपकी बात। देखिए, कितना भी प्रचंड बहुमत हो, दो तिहाई बहुमत से भी कोई बैठा हो तो फर्क नहीं पड़ता। प्रश्न है मुद्दों का। यदि हम उन मुद्दों को उठा पाएंगे जो जनता के मन को छू जाएंगे, जैसे इन्होंने कहा है हम भ्रष्टाचार मिटाएंगे, अब मुझे कहने में संकोच होता है, इनके सामने जो मंत्रिमंडल बैठा है, इनके साथ जो सहयोगी हैं, सबके इतिहास है, उन्हें मुझे कहने की आवश्यकता नहीं। तो ये पारदर्शी और स्वच्छ सरकार देना चाहते हैं, लेकिन अगर बनाएंगे ही नहीं पारदर्शी और स्वच्छ तो स्वच्छता आएगी कहाँ। ये लोग तो कहते हैं हम लोकायुक्त लाएंगे, ट्रांसफर एक्ट लाएंगे, तमाम बातें हैं। NH-74 घोटाले में इन्होंने CBI को सिफारिश कर दी, रामनगर वाले मामले में भी एक्शन हुआ है, तो विपक्ष के हाथ से मुद्दा तो चुराने की कोशिश की है सरकार ने। देखिए, केवल ये शब्दों में है, व्यवहारिक पक्ष लाएंगे बहुत अच्छा, राम राज्य बना दे। इस देश के अंदर राम राज्य में ताले नहीं लगते थे घरों में, अभी शनि सिंगनापुर चले जाइए, वहाँ बिना तालों के घर है। तो हम चाहेंगे मोदी जी ऐसी व्यवस्था देश भर में ला दें कि लोग ताले ही न लगाएं, तभी होगा। क्या ये संभव हो पाएगा? इतना अधिक प्रदूषण हो चुका है व्यवस्था में और समाज में और आवश्यकताओं में, लोग इतने सुविधा भोगी हो चुके हैं, वो इस तरह का जीवन जी पाएंगे सन्यासी का या साधु का? मुझे कठिन, सत्ता में की दौड़ है ही इसलिए कि सुख सुविधा लोगों को प्राप्त हो। विधानसभा का सत्र चल रहा है, ऐसे समय में आपको जिम्मेदारी दी गई, कठिन समय में जिम्मेदारी मिली है, किस तरह से सरकार को घेरने की रणनीति अब आप बना रही है? क्योंकि आपके पीछे बहुत कम विधायक रहेंगे, ट्रेजरी बेंचेज में बहुत ताकत है और जो अपोजिशन रैंक में वो ताकत नहीं, तो किस तरह से आप रणनीति बनाएंगे ताकि सरकार को कटघरे में जनहित के मुद्दों पर करा जाए? देखिए, मुझे एक लंबा समय हो गया है, मैंने कांग्रेस का स्वर्णिम युग भी देखा और प्रतिपक्ष का बिल्कुल यही हाल देखा, तो मुझे खास कठिनाई नहीं। विचार सही होने चाहिए, मेरे विचार हैं कि समाज एक ऐसा नहीं कुछ लोग लूट कर खा जाएं, और सामान्य व्यक्ति तो आज भी दुखी, उसको दो वक्त रोटी खाने को नहीं है। कहीं कहीं इंदिरा हृदयेश के लिए चुनौती बहुत बड़ी है, लेकिन चूंकि उनका राजनीतिक अनुभव भी अच्छा खासा है, इस लिहाज से वो कांग्रेस की तरफ से बैटिंग करने की खूब कोशिश करेंगी, लेकिन जिस तरह से पहले चुनाव में करारी हार और उसके बाद नेता प्रतिपक्ष के चयन को लेकर के जो कांग्रेस में रार मची, उसने कहीं ना कहीं एक तरह से जो कांग्रेस की रणनीति उसको कमजोर जरूर किया है। अब देखना दिलचस्प होगा किस तरह से इंदिरा हृदयेश सदन में सरकार को जनहित के मुद्दों पर घेरती है, सरकार को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश करते हैं। कैमरा सहयोगी भूकांत पाल के साथ पवन लाल, चंडीगढ़ 24/7 देहरादून। तो उत्तराखंड विधानसभा सत्र का आज दूसरा दिन है, आज प्रश्नकाल होगा और उसके बाद राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव आएगा। राज्यपाल के साथ लौटाए गए पुराने बिल पुनर्विचार के लिए सदन में पेश किए जाएंगे। शाम 4 बजे राज्य सरकार 3 महीने के खर्चों के लिए सदन में लेखा अनुदान पेश करेगी। हालांकि विधानसभा सत्र में सरकार लोकायुक्त बिल और ट्रांसफर एक्ट भी लाने की तैयारी कर रही है। वहीं सदन में आज सत्ता पक्ष के सामने विपक्षी बेंच में इंदिरा हृदयेश नेता प्रतिपक्ष के तौर पर नजर आएंगी। पहली महिला नेता प्रतिपक्ष उत्तराखंड की इंदिरा हृदयेश। फहीम तन्हा हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। फहीम, मुझे ये बताइए, 3 महीने का लेखा अनुदान पेश किया जाएगा, इसको लेकर क्या कुछ बताया जा रहा है और क्या मान के चलें कि चूंकि वो संख्या बल कांग्रेस के पास है नहीं, तो ऐसे में किसी भी मुद्दे को उठाना, उसका विरोध करना उतना आसान भी नहीं होगा। क्या कुछ आज सदन की कार्यवाही को लेकर के समझा जाए? देखिए श्वेता, आपके सवाल के जवाब देने से पहले मैं एक ताज़ा जानकारी दे दूं, क्योंकि यार डिप्टी स्पीकर का नामांकन भी होना है, उनका चुनाव रह गया है, वो नामांकन हो गया है 9 सीटों में रघुनाथ सिंह चौहान ने
ये डिप्टी स्पीकर के लिए नामांकन किया है, जिसका प्रक्रिया आज नामांकन का दिन रहेगा, कल उनका उनकी घोषणा कर दी जाएगी, डिप्टी स्पीकर हो जाएंगे। दूसरा आपके सवाल की बात कहें तो बेशक कांग्रेस के पास उस तरह से संख्या बल नहीं है सदन के अंदर, इसलिए जाहिर सी बात है कि बहुत ज़्यादा प्रभावशाली तरीके से कोई मुद्दा उठाना कांग्रेस के लिए विपक्ष के रूप में आसान नहीं है सदन के अंदर, लेकिन वो अपनी बात ज़रूर कहेंगे जिस तरीके भी जैसा भी अंदर कहने का अवसर मिलेगा। और आज चूंकि दूसरा दिन है विधानसभा सत्र का, और अगर कार्रवाई के लिहाज से कहें तो पहला ही दिन है, क्योंकि जब 24 तारीख को विधानसभा सत्र की शुरुआत हुई थी तो वो राज्यपाल के अभिभाषण ही उसमें हो पाया था, इसके अलावा कोई काम होता नहीं है, लिहाजा कामकाज के हिसाब से आज पहला दिन है और 11 बजे सत्र शुरू होगा। विपक्ष के लिए प्रश्नकाल रहेगा जो सरकार से सवाल जवाब हो सकते हैं, लेकिन चूंकि पहला सत्र है तो उस तरीके के सवाल जवाब हो भी पाएंगे या मुद्दे उठ पाएंगे, थोड़ा सा भी इसको कहना जल्दबाजी होगा। सदन के अंदर की तस्वीर क्या होगी वो देखने लायक होगी, लेकिन इतना जरूर है कि जो प्रशून्यकाल में भी कांग्रेस कुछ मुद्दे उठा सकती है, और खासकर मुझे लगता है कि जो जिस तरह की अभी जानकारियां मिल रही हैं, जो इनपुट्स मिल रहे हैं उसके हिसाब से जो NH-74 का मामला जिस पर CBI जांच की संस्तुति की है राज्य सरकार ने और कार्रवाई की है, जो SDMs और दूसरे अफसरों पर कार्रवाई की गई है, वो जरूर सदन में उठ सकता है। हो सकता है कि उसको कांग्रेस के कुछ सदस्य उठा दें, क्योंकि कांग्रेस ने बात कही कि जांच इस मामले की जो आयुक्त से जांच रिपोर्ट मंगाई गई थी वो कांग्रेस के कार्यकाल में मंगाई गई थी, जो कि BJP के कार्यकाल में जांच पूरी होकर के रिपोर्ट दी गई, तो इसलिए कहीं ना कहीं कांग्रेस भी उसका श्रेय लेने की कोशिश में। हालांकि ये बात जरूर है कि सरकार त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार ने उस पर कार्रवाई की है, त्वरित कार्रवाई की है, जब तक के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है। लिहाजा चलिए फहीम आपसे मैं आगे अपडेट लूंगी, जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वाकई ये बात सही है कि आप क्रेडिट लेने की कोशिश कहीं ना कहीं हरीश रावत भी कर रहे हैं, कांग्रेस भी कर रही है, जिस तरह से पूर्व CM हरीश रावत ने NH-74 घोटाले पर CBI जांच कराए जाने का स्वागत किया है। हरीश रावत ने कहा है कि ये एक अच्छा कदम है और इस मामले में कांग्रेस उनके साथ है। हरीश रावत ने इशारों में अपने कुछ पुराने साथियों पर हमला किया और इस मामले के साथ BJP सरकार को स्टैंडरिया, ढेंचा, बीज और पॉली हाउस मामले की जांच भी करानी चाहिए। हरीश रावत ने इन सभी जांचों के लिए राज्य सरकार से रिटायर्ड जज की अगुवाई में आयोग बनाकर जांच कराने की मांग की है। जिन मामलों की भी वो जांच करना चाहते हैं, स्वागत है और बहुत अच्छी बात है, और हम तो ये चाहते हैं कि जितनी भी फाइलें हैं वो सब फाइलें CBI को सौंप दें और जिनकी जांच चाहते हैं जांच कर लें। कांग्रेस को कोई एतराज नहीं है किसी तरीके की कोई जांच। मेरा उनको सुझाव रहेगा कि उनके सरकार के कार्यकाल में जो घोटाले की बातें सामने आई हैं वो वहां से स्टार्ट कर लें। तो इधर पौड़ी जिला प्रशासन ने यूपी के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी के परिवार की सुरक्षा के लिए वाई श्रेणी की सुरक्षा की मांग की है। योगी आदित्यनाथ के मूल गांव यमकेश्वर ब्लॉक के पंचूर गांव में उनके माता पिता रहते हैं। प्रशासन ने उनके घर की सुरक्षा के लिए जिला स्तर पर पूरी व्यवस्था की है। पौड़ी के पुलिस अधीक्षक ने बताया कि उनके घर पर पुलिस व्यवस्था लगाकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। गवर्नमेंट से ऑर्डर आ जाएगा तो अकॉर्डिंगली जैसे भी उनको कैटेगरी दी जाएगी हम उनके हिसाब से उनको सुरक्षा मुहैया करा देंगे। अभी तो हमने डिस्ट्रिक्ट लेवल से पर्याप्त सुरक्षा की है, लेकिन गवर्नमेंट से हमने अनुरोध किया है कि वाई कैटेगरी की सुरक्षा दी जाए।